हिंदू और सनातन धर्म का बहुत रिस्पेक्ट है विदेश में एक्चुअली। तो एक्चुअली इंग्लैंड में इतने सारे लोग संस्कृत पढ़ते हैं, यूरोप में भी बहुत स्कूल्स हैं जो संस्कृत पढ़ाते हैं। ये नॉर्मल वाइट स्कूल है, इट्स नॉट अ हिंदू स्कूल। लॉस एंजलिस में मैंने 7-8 साल बिताए, और फिर मैं अब लंदन में कितने मेरे 13 साल हो गए वहाँ पर। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई यूके में, एक्चुअली मेरा अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज जी जी। तो विदेश में रहकर मुझे अंदर से ये महसूस हो चुका है कि एक्चुअली बाहर कुछ नहीं है, जो भी है हमारे संस्कृति के अंदर ऑलरेडी सनातन धर्म में पूरा इंक्लूड हुआ है। डॉक्टर्स खुद एंटी डिप्रेसेंट्स में है। मैं सोचा अब इसका क्या फ़ायदा, मैं क्या करूँगी इसका, मैं इतनी खुश थी। अब मैं एक्चुअली मुझे बहुत गर्व है मेरे वेशभूषा में, अब पहले नहीं था। यू नो यू कम उसकी आपने रियलिटी तब जाके ठेले वगैरह होते हैं वहाँ पे, जस्ट फॉर फन। ठेले तो नहीं है, एक है रेकड़ी करके लस्टर में, और वहाँ पर मतलब भीड़ लगी रहती है। क्या चीज़ मिलता है? सब कुछ, पानी पूरी, भेल पूरी, दाबेली, वड़ा पाव, पाव भाजी। यहाँ पर एक्चुअली लाइफ है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि व्हेन आई कम टू इंडिया आई फील अलाइव, मैं जैसे जान आ जाती है। क्योंकि भक्ति कितनी आसान है वहाँ पे, कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह तो नहीं है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते? कुछ बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस नहीं। एक्चुअली मोदी जी के सपोर्टर वो बोल भी नहीं सकते थे पहले, ऐसे था वहाँ, लेकिन अब ऐसा। क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को उनसे सीखनी चाहिए, उन्हें हमसे सीखनी चाहिए? अच्छा अच्छा, ओके ओके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया। दोस्तों प्राइम इंडिया पर आज हमारे साथ एक और विदेशी माता जी है। माता जी इंग्लैंड से है और लगातार भारत आती रहती, बीच बीच में भक्ति के लिए। माता जी का एक पूरा परिवार है, और इंग्लैंड में होने के बावजूद भी पूरा परिवार जो है भक्ति की राह पे है। साथ ही साथ ये बात बहुत ध्यान देने वाली है कि माता जी इंग्लैंड में एक स्कूल में संस्कृत की टीचर है। दोस्तों इस बात को आप ध्यान सुनिएगा कि इंग्लैंड में संस्कृत की टीचर है। तो इस बारे में, पूरी माता जी की जर्नी के बारे में, सब चीज़ों के बारे में इनसे बात करेंगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। क्या नाम है माता जी आपका? किशोरी राधे जानी। और आप कहाँ से है? एक्चुअली तो मेरा जन्म वृंदावन में ही हुआ है। जन्म आपका वृंदावन में है, तो फिर आप इंग्लैंड में कैसे गए इस बारे में? हाँ जी, मेरी शादी वहाँ हुई है, मेरे हस्बैंड लेस्टर के हैं। सो अब पिछले 14 साल से हम इंग्लैंड में हैं। माता पिता आपके कहाँ से थे? इंडिया से थे दोनों? मेरे पिताजी हैं गुजराती और मम्मी हमारी है अमेरिकन। मम्मी अमेरिकन है और आपके पति इंग्लैंड के, पिता गुजराती, आपका जन्म वृंदावन में है। इसीलिए इस्कॉन को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। मेरे एक्चुअली पिताजी गुजरात से अमेरिका गए थे, उनको यू नो ही वॉन्टेड टू मेक मनी एंड बिकम सक्सेसफुल। फिर श्रील प्रभुपाद जी को मिले वहाँ पर और उन्होंने समझा सक्सेस का रियल मतलब क्या है। तो आप अपने पति जी से कहाँ मिले जय, क्योंकि आपके पति इंग्लैंड से हैं, उनका जन्म इंग्लैंड का ही? हाँ, उनका जन्म इंग्लैंड में है, लेकिन मेरे पिताजी उनके फैमिली से मिले। और एक्चुअली मेरा अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज? जी जी, आई मीन अरेंज इन द सेंस इंट्रोडक्शन बोलते हैं आजकल, कि यू नो माय फादर मिले थे मेरे हस्बैंड से और उनके पूरे फैमिली को जानते थे, तो उनको तो बहुत पसंद थे। रिश्ता पिता की तरफ से हुई है, इसलिए अरेंज मैरिज। जी जी, लेकिन ऑब्वियसली लास्ट डिसीजन तो हमारा ही रहेगा उसमें। तो आमतौर पे जो मैं आपको दिखाता हूँ इंडियन फॉरेन कपल दिखाता हूँ, तो वो लव मैरिज होती है, लेकिन इनके केस में एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ये एक अरेंज मैरिज है। तो माता जी, अब हम थोड़ा सा आपकी एजुकेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि आपने क्या क्या एजुकेशन ली है और कहाँ कहाँ से ली है। अच्छा, तो मैंने मेरी प्राइमरी और सेकेंडरी यहाँ पर गुजरात में की थी, अहमदाबाद में, और फिर उसके बाद मैं अमेरिका गई थी, मुझे वहाँ पर कॉलेज करना था, यूनिवर्सिटी। लॉस एंजलिस में मैंने 7-8 साल बिताए, वहाँ पर काम भी किया थोड़े थोड़े सालों के लिए। फिर उसके बाद मेरी शादी हुई यूके में। आपकी शादी यूके में हुई, इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग हुआ वहाँ के कल्चर? एक्चुअली मेरी शादी वृंदावन में हुई थी। वृंदावन में भी? तो फिर आपने इंग्लैंड क्यों बोला? नहीं, मतलब मेरे हस्बैंड इंग्लैंड के हैं। अच्छा। लेकिन उनका पूरा परिवार इंग्लैंड से यहाँ आया था वृंदावन में, क्योंकि एक्चुअली मेरा मायका वृंदावन है, मेरा जन्म यहीं है, मेरे माता पिता यहाँ के हैं इन वन सेंस, यू नो हमारा घर यहाँ पर था। बिटवीन वृंदावन एंड अहमदाबाद मैं बड़ी हुई हूँ, तो मेरा एजुकेशन मोस्टली अहमदाबाद में था, प्राइमरी और सेकेंडरी। उसके बाद अमेरिका में क्या पढ़ाई की फिर? मैंने बायोकेमिस्ट्री पढ़ी थी वहाँ पर। एंड इतना पढ़ने लिखने के बाद तो आप अच्छा पैसा कमा सकते थे, बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाती, क्योंकि आप अमेरिका से पढ़े लिखे हो, तो इंडिया में तो आपको आराम से मिल जाती। सब छोड़ा आपने भगवान के लिए? अरे क्या, कुछ नहीं छोड़ा इन वन सेंस, सब छोड़ा इन द सेंस कि ठीक है मुझे सुख तो काफी हद तक आपने त्याग दिया ना। हाँ, लॉस एंजलिस में थी 8 साल के लिए, इन वन सेंस वहाँ पर क्या नहीं है, सब कुछ उपलब्ध है, और मतलब ऐश और आराम ही है। इट्स ऑल एट यू नो एट योर बैक एंड कॉल।
लेकिन देखा थोड़ा सा भी उस सरफेस स्क्रैच कर लो, देखो कि कितने दुखी हैं लोग, कितने एंग्जाइटी इतना है, इतने लोगों में डिप्रेशन एंग्जाइटी है कि बात जाने दो फिर तो क्या मतलब। मैंने देखा जब मैं एक्चुअली डॉक्टर बनना चाहती थी, तो मैंने बायोकेमिस्ट्री के बाद मैंने कई हॉस्पिटल में वॉलंटियर वर्क किया था, और मैं देखी कि इतने डिप्रेस्ड हैं सारे डॉक्टर्स, इतने डिप्रेस्ड, वो डॉक्टर्स खुद एंटी डिप्रेसेंट्स में हैं, डॉक्टर्स सारे नींद की गोलियां लेते हैं क्योंकि सो नहीं पाते, इतनी एंग्जाइटी और स्ट्रेस में जीते हैं लोग। तो मैंने सोचा अब इसका क्या फ़ायदा प्रभु, हम मैं क्या करूँगी इसका, मैं इतनी खुश थी, अब मैं वाई शुड आई फॉलो अ पाथ विच डजंट वर्क फॉर एनी वन एक्चुअली। सो ऐसे के क्या करना चाहिए, आपको रात को सुख की नींद ही ना आए, बिल्कुल रात की नींद ना आए, व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दैट। सो धीरे धीरे यू नो महसूस, ऑलरेडी ज्ञान तो पहले से मिला था इन द सेंस कि जब बचपन से ही ये सुने आ रहे हैं, जब एक्चुअली साक्षात देखा अपने आँखों से कि सही में कोई सुख नहीं है बार, तब ऐसा हुआ कि ठीक है अब यू नो इसको सीरियसली लेना है, जो भी हमने सुना है उसको सीरियसली अपनाना है। जब से अपनाया है अपने खुद की इच्छा से, खुद की डिसीजन से जब एक्चुअली अपनाया है, तब देखा कि बस इसके अलावा कुछ ज़रूरत ही नहीं है, सब कुछ पा चुके हैं। तो दोस्तों देखिए, जो लोग बहुत ज़्यादा पैसों के पीछे भागते हैं और विदेश के पीछे भागते हैं, तो देखिए रियलिटी यही है, अगर आप बहुत ज़्यादा वहाँ भागोगे आप वहाँ पहुँच भी जाओगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको फील होगा कि असली सुख है वो अपने देश में है, अपने कल्चर में है। मतलब आपकी शादी वृंदावन में हुई, तो वो क्योंकि आपके पति इंग्लैंड से, पूरी फैमिली की यहाँ आई, तो इंडियन कल्चर अकॉर्डिंग भी सारी, बिल्कुल यहीं पर मुंगेर मंदिर में हुई थी वृंदावन में, और पूरी तरह यू नो फुल वैदिक वेडिंग, और उसके बाद हमने उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं हमारे अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि वो तो इंग्लैंड से है ना, आप भले इंडिया से हो, वृंदावन से हो, लेकिन उनका तो कल्चर, शादी तो लड़के के हिसाब से, लड़कियाँ के हिसाब से होती है, लड़की के घर से, और वो भी दे आर कम्प्लीटली कल्चर्ड, वो यू नो सनातन धर्म फॉलो करते हैं और इस्कॉन के सदस्य हैं, तो वो तो बहुत खुश थे, वो तो बहुत खुश थे कि वृंदावन में ब्रज में शादी हो रही है। अब थोड़ा आप जो आपने बताया कि मैं इंग्लैंड में एक संस्कृत टीचर हूँ, वो बताया कि आप वहाँ पे क्या पढ़ाते हो, किन्हें पढ़ाते हो, फिर वहाँ पे टीचर आप कैसे बने, संस्कृत को आपने कहाँ से सीखा, इस बारे में थोड़ा बताइए। जी सो मेरे पिताजी संस्कृत अच्छी तरह से जानते थे, और ही यूज्ड टू डू कथा करते थे रेगुलरली, सो उसी में जो रुचि जागृत हुई है। लेकिन अब पिछले 6 सालों से मैं प्राइमरी स्कूल में, और अब थोड़ा सेकेंडरी स्कूल में भी मैंने पढ़ाया था, वहाँ पर कृष्णावंती करके स्कूल्स हैं इंग्लैंड में, लगभग 11 जितने स्कूल्स हैं, और वे दे आर हिंदू स्कूल्स लेकिन सरकारी स्कूल्स हैं। जी जी, तो उसी में 6 साल हो गए। अब मैं एक्चुअली मेरा प्राइवेट क्लासेस करती हूँ, संस्कृत और भगवद्गीता क्लासेस बच्चों के लिए, एडल्ट्स के लिए, क्योंकि ये यू नो पूरी तरह हम समझ चुके हैं कि ये जो वैदिक ज्ञान है, जो यू नो हमें ठाकुर जी ने ये बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है, इसे हम ठुकराकर विदेशी लाइफस्टाइल के पीछे दौड़ रहे हैं, ये हमारा सबसे बड़ा लॉस है एक्चुअली। अब यू नो विदेश में रहकर मुझे पता, मतलब अंदर से ये महसूस हो चुका है कि एक्चुअली बाहर कुछ नहीं है, जो भी है हमारे संस्कृति के अंदर ऑलरेडी सनातन धर्म में पूरा इंक्लूड हुआ है, सो वट एवर वी नीड इज़ विद इन द वेद एंड शास्त्र। अब तो एक्चुअली इंग्लैंड में इतने सारे लोग संस्कृत पढ़ते हैं, यूरोप में भी बहुत स्कूल्स हैं जो संस्कृत पढ़ाती हैं, सेंट जेम्स इन लंडन इज़ वेरी फेमस एज अ दे टीच संस्कृत राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले से ही सेंट जेम्स करके एक स्कूल है, वहाँ पर तो संस्कृत 15-20 सालों से पढ़ा रहे हैं वो लोग, और ये नॉर्मल वाइट स्कूल है, इट्स नॉट अ हिंदू स्कूल। लेकिन भारत में देखा जाए तो बहुत कम लोग को इंटरेस्ट है संस्कृत में, यही तो दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। सो ये विदेश में जो जहाँ पढ़ाते हैं, तो जिन स्कूल संस्कृत पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे जो विदेशी बच्चे वो भी पढ़ते हैं, सिर्फ जो भारतीय मूल के जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनके बच्चे पढ़ते हैं, सब लोग पढ़ना चाहते हैं। जैसे जर्मनी में या लंदन में देखा जाए, वो एक्चुअली सारे विदेशी बच्चे हैं, हमारे लेस्टर में मेनली इंडियंस है एक्चुअली, वो मिनी इंडिया की तरह है, वहाँ पर इतने सारे भारतीय लोग हैं रहते हैं, सो इतने मंदिर हैं, इतने वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स हैं, तो हम तो एक्चुअली बहुत खुश हैं वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर जो कल्चर है हमारा हिंदू कल्चर, वो अभी भी बहुत स्ट्रांग है। मैं अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हूँ आपकी फैमिली के बारे में जानने के लिए, कि आपके पति इंग्लैंड से, आप भारत से है, आपके बच्चे भी हैं, तो आप उन्हें किस मार्ग पर ले जा रहे हो, मतलब वो बच्चे जो आपके हैं वो किस प्रकार की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और किस प्रकार के हाव भाव उनके, मतलब अपकमिंग जनरेशन आपकी क्या होने वाली है, एक स्पिरिचुअल होने वाली है, एक मॉडर्न होने वाली है, वेस्टर्न टाइप। वेल
इच्छा है कि स्पिरिचुअल रहे, आध्यात्मिक बने, लेकिन बाहर का प्रभाव, एक्चुअली जो यू नो विदेशी प्रभाव है वो बहुत ही हैवी है, बहुत जल्दी पड़ जाता है, तो हमें उतना ही प्रयत्न करना पड़ता है कि उसका थोड़ा हम उससे हम थोड़ा दूर रहे। तो उसके लिए हम रोज़ जप, रोज़ आरती घर पे होती है, हम कीर्तन रेगुलरली करते हैं, मंदिर हर हफ्ते 2-3 बार जाते हैं, जितनी हो सके उतनी सेवा करते हैं, और शास्त्र अध्ययन, ये हमारा बहुत ही मूल जो बेसिक्स फाउंडेशन है वो अगर हम बच्चे को ना दें तो देयर इज़ नो होप। एक्चुअली सिर्फ विदेशी बात नहीं, इंडिया में भी मैं वही देख रही हूँ कि सर ये स्क्रीन का ज़माना है, मतलब जो फ्लिक पूरे दिन फ्लिक करते रहते हैं बच्चे, अगर इससे बचना है तो हमें कुछ विल हैव टू गिव देम अ बेटर ऑप्शन। बच्चों को हमें समझाना होगा और दिखाना होगा हमारे एग्जाम्पल से कि इससे अच्छा कुछ है, या देयर इज़ समथिंग डीपर, देयर इज़ समथिंग मोर जॉयफुल, जहाँ से हमारी एक्चुअल सुख शांति हम प्राप्त कर सके, देयर इज़ अनदर ऑप्शन। अगर हम खुद बिल्कुल अशांत हैं और दुखी हैं और डिप्रेस्ड है और पैसों के पीछे इतने भाग रहे हैं कि हम थक चुके भी पूरी तरह, तन मन धन से पूरी तरह हम क्या बोलते हैं एम्प्टी हैं, वी आर रनिंग ऑन एम्प्टी, देन बच्चे भी यही देख रहे हैं कि भैया अब तो यही है जीवन। लेकिन अगर हम उन्हें उद्देश्य मतलब एक एग्जाम्पल दे सकते हैं दैट देयर इज समथिंग हायर, दैट मीन्स वी हैव टू फॉलो। अगर हम हमारे सनातन संस्कृति को फॉलो करें, दिखाएं कि हम जब मंत्र जाप करते हैं तो कितने शांत हो जाते हैं, जब आरती करते हैं तो कितना अच्छा लगता है, जब पूरे परिवार एक दूसरे के देखभाल करते हैं तो कितना सुख शांति प्राप्त करते हैं, तो ये हमारे बच्चों को तभी दिखा पाएंगे जब हम फॉलो कर रहे हैं। तो हमारा मतलब ये की गोल है कि यू लिव इट एंड यू टीच इट, सो वी आर जस्ट फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स, बहुत ही बहुत ही छोटे रूप से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन इसका जो हम प्रभाव देख रहे हैं, जो फल पा रहे हैं, वो इट इज़ अनबिलीवेबल। आपने फल पाने की बात की है, तो आपको कभी महसूस हुआ कि हाँ, क्योंकि आपने जब आप इंग्लैंड गए होगे तो आपने वो लाइफ भी जी होगी थोड़ा बहुत, जो मतलब लग्जरी लाइफ हम इसे कह सकते हैं, भक्ति में तो आप है ही, तो आपने कुछ फ़र्क, कुछ मेजर चेंजेस, कुछ मेजर फ़र्क आपने महसूस किया कि हाँ भक्ति में ये चीज़ है जो कि हम बहुत ही सुख वाला जीवन है उस पर नहीं पा सकते, ऐसा कुछ महसूस किया है आपने? पूरी तरह महसूस किया, बिकॉज एक्चुअली मैं लॉस एंजलिस में 8 साल रही और फिर मैं अब लंदन में कितने मेरे 13 साल हो गए वहाँ पर, सो हमने वेस्ट का लाइफ पूरी तरह अच्छी तरह से देख ली है और इन्जॉय भी किया है, ऐसे नहीं कि हम वहाँ पर भी बिल्कुल ठुकरा दिए और कुछ नहीं देखा, नहीं, हमने देख लिया है वट एवर द वर्ल्ड, भौतिक जगत में जो भी ये सारी जो तुच्छ हैप्पीनेस और जॉय है वो एक्चुअली हमने देखा है कि इट्स कम्प्लीटली अनफुलफिलिंग, वो थोड़े दिनों के लिए या थोड़े साल के लिए भी हो सकता है, लेकिन अंत में इन द एंड यू आर लेफ्ट विद अ गेपिंग होल, बिकॉज जो बाह्य चीज़ है वो अंदरूनी नेसेसिटीज़ को पूरी नहीं कर सकती। एंड व्हेन आई अंडरस्टूड दैट, अपने जीवन में जब अपनाया है तो मेरे एक्सपीरियंस में मैं देख रही हूँ कि लोग मुझे देख रहे हैं, अरे आप इतने खुश क्यों हो, आप इतने शांत क्यों हो, आपके 4-4 बच्चे हैं आप फिर भी शांत कैसे हो, बिकॉज एक्चुअली जो भी देना है, जो भी महसूस करना है वो अंदर से आ रहा है ठाकुर जी की कृपा से। मतलब आपने अभी बात की कि लोग मुझसे ये पूछते हैं आप इतना खुश कैसे रह ले, तो थोड़ा सा लोगों के बारे में बात करते हैं, जो आपके आस पड़ोस में हो गए इंग्लैंड में, तो वो कैसे मतलब वहाँ के लोग हैं या भारतीय मूल के हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए, और फिर जब आप इसी वेशभूषा में रहते हैं वहाँ? ज़्यादातर जब मंदिर जाते हैं या कुछ भी सेवा करते हैं तब तो बिल्कुल साड़ी पहनकर हम टेस्कोज में कोई भी लोकल दुकान में ऐसे ही जाते हैं, ऐसा नहीं कि बदल कर ही जाएं। एक्चुअली मुझे बहुत गर्व है मेरे वेशभूषा में, अब पहले नहीं था, तब जाके वाई नॉट, इट्स सच अ ब्यूटिफुल ड्रेस, मुझे इतना आई फील सो ब्यूटिफुल, आई फील फेमिनिन, आई फील एम्पावर्ड, आई फील कि इतना कलरफुल ड्रेस है, मैं क्यों पूरे दिन काला और ग्रे पहनूं, वहाँ पर बस दो ही कलर पहनते हैं लोग। जब आप ये पहन के बाहर जाते हो तो जो वहाँ के लोग होते हैं जिन्हें पता नहीं कि साड़ी वगैरह क्या होते हैं, तो वो पूछते हैं कि इस ड्रेस का क्या नाम है, क्यों पहन, चौंक जाते हैं, मतलब वो देख रहे हैं कि ये इनको कुछ पड़ी क्यों नहीं है, मतलब दे लिटरली डू अ डबल टेक कि ये हंस क्यों रहे हैं और स्माइल क्यों कर रहे हैं और ऐसे अजीब सा पहना है लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा है, या दे ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट, दे ऑलवेज से वाओ यू लुक रियली नाइस। और आजकल पूरी दुनिया में मतलब
दुनिया ना छोटा हो चुका है, सब एक दूसरे के कल्चर के बारे में बहुत जानते हैं, तो दिवाली और ये सब होली ये सब मनाई जाती है। जैसे टेस्कोज में एक्चुअली दिवाली में सारे बैनर्स लगे होंगे हैप्पी दिवाली करके, सो यूके में भी ये सब यू नो दे एक्सेप्ट इट एंड दे अंडरस्टैंड इट, सो दे रिस्पेक्ट इट, दे सनातन धर्म का बहुत रिस्पेक्ट है विदेश में एक्चुअली। यहीं पे लोग रिस्पेक्ट कम कर रहे हैं जी, यही तो प्रॉब्लम है पूरी दुनिया में एक्चुअली, हिंदू और सनातन धर्म का बहुत रिस्पेक्ट है, मोदी जी का बहुत रिस्पेक्ट है, चाहे पेपर में कुछ भी बीबीसी छाप दे, लेकिन एक्चुअली जो जो समझदार है वो समझ रहे हैं कि कितना खास काम कर रहे हैं मोदी जी और क्या कितनी तरक्की हो रही है भारत में, मतलब देख रहे हैं और एक्चुअली खुश हैं। दे आई गेट सो मेनी कॉम्प्लीमेंट्स, और जब मैं तो तिलक पहन के घूमती हूँ हर रोज़ विदाउट फेल, साड़ी शायद ना पहने लेकिन तिलक तो हम कभी भी नहीं छोड़ते। इंग्लैंड में भी कभी आप दुनिया में किसी भी देश में आप दुनिया के चाहे इंग्लैंड में भारत में आप हमेशा तिलक लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज उसके बिना मुझे ऐसा लगता है कुछ मिसिंग है, मेरा आइडेंटिटी में मुझे बहुत गर्व है और मुझे बहुत ही अटैचमेंट है, आई नीड। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि मतलब मैं कौन हूँ, मिसिंग इम्पोर्टेंट, समथिंग इज मिसिंग। यस, आस पास के लोग कौन है आपके, मतलब इंडियन है या? लेस्टर में बहुत ही लोग इंडियन ऑरिजिन के हैं, पाकिस्तानी हैं, सो मेनली ब्राउन पीपल एक्चुअली। लेस्टर में देखा जाए तो बहुत कम गोरे लोग हैं क्योंकि वो पूरी तरह अपना टेक ओवर हो चुका है ब्राउन स्किन से लेकिन इसलिए हम तो बहुत खुश हैं वहाँ पर। मैंने बोला ना जैसे लगभग 10-15 मंदिर होंगे अलग अलग पंथ के, और वेजिटेरियन फूड तो हर गली में, प्योर वेज, इंडियन फूड विदाउट अनियन गार्लिक मिल सकता है वहाँ पर, तो हम बाहर भी खा सकते हैं लोग घर जाकर आराम से, और पूरी तरह हमारे सारे त्यौहार मना सकते हैं, हमारे कपड़े पहनते हैं, नवरात्रि तो इतने धूमधाम से मनाई जाती है वहाँ पर, बिना गार्लिक के भी खाना मिलता है स्ट्रीट पर। अच्छा, ठेले वगैरह होते हैं वहाँ पर जस्ट फॉर फन? ठेले तो नहीं है, एक है रेकड़ी करके लस्टर में, और वहाँ पर मतलब भीड़ लगी रहती है। क्या चीज़ मिलता है? सब कुछ, पानी पूरी, भेल पूरी, दाबेली, वड़ा पाव, पाव भाजी, दे हैव द होल थिंग एंड इट रियली फील्स, बाहर निकलना पड़ता है पार्क करके, और यू नो आते हो वहाँ पे? हाँ, क्योंकि वो बना इंडियन है जो भेजा लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब इंडियन है, सब इंडियन बहुत। एक्चुअली जब मैं पहले गई थी मुझे लगा मैं कहाँ गई, बिकॉज मुझे तो लगा ओके, बट इट्स वेरी वेरी स्वीट एक्चुअली। जो इंडियंस विदेश में हैं वो ज़्यादा कल्चर अपना रखा है उन्होंने, उन्होंने महसूस करना पहले, ज़्यादातर लोग यहाँ से, हम जैसे लोगों को लगता है कि वहाँ ज़्यादा सुख है, वो ज़्यादा अच्छा जीवन है, लेकिन जब वो लोग उस जीवन को जीते हैं वो कहते नहीं भैया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तब उन्हें होम में जितने भी वहाँ पर आते हैं एक्चुअली रोना शुरू कर देते हैं, इतना मिस करते हैं भारत को, इतना मिस करते हैं अपने गाँव को, होम को, क्योंकि यहाँ पर एक्चुअली लाइफ है। मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि व्हेन आई कम टू इंडिया आई फील अलाइव, मैं जैसे जान आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर लोग इतने टॉलरेंट हैं, इतने सुखी हैं एक्चुअली, आत्मनिर्भर है एंड दे आर वेरी वेरी सैटिस्फाइड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज भारतीय लोग सैटिस्फाइड है, जितना देखें स्पेशली गांवों में जो अनटच्ड बाय मॉडर्निटी, अनटच्ड बाय दिस एकदम वेस्टर्न लाइफस्टाइल, वो लोग शांत हैं, उनको ये सब यू नो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम्स नहीं हैं। तो मैं जब भारत आती हूँ मुझे एकदम यू नो आई जस्ट फील उल्लास, अंदर से एकदम प्रफुल्लित हो जाती हूँ कि वाह अब जान आई हमें। वहाँ पर जाके मैं सही बताऊँ, एज सून एज यू लैंड इन विदेश, ओके दिखने में तो बहुत सुंदर है बाहर, यू नो सब अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है, लेकिन जान नहीं है, एकदम निर्जीव है लोग, मतलब इतने डिप्रेस्ड है, और मतलब होठ पे मुंह पे मुस्कान तो दिखना बहुत रेस भरा है, अंदर से जो सुख शांति है वो उन्होंने महसूस की नहीं, उनके बारे में उसके बारे में पता ही नहीं है, महसूस तो दूर की बात है, दे डोंट हैव एनी ज्ञान, दे हैव नो एक्सेस टू दैट नॉलेज विच कैन गिव देम जॉय फ्रॉम विद इन, अंदर से जो एकदम, और जो जिसके लिए एक रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा, जिसके लिए बाहर जाने किसी और के ऊपर डिपेंड करना बिल्कुल नहीं, अंदर से ही, क्योंकि ठाकुर जी अंदर हैं, ठाकुर जी आपके पास, आपका यू नो साथ एक सेकंड एक क्षण के लिए नहीं छोड़ेंगे। ये जो थॉट प्रोसेस है, ये जो श्रद्धा है, वो मतलब जीवन बदल दे ऐसा है। अच्छा माता जी, इंग्लैंड में मंदिर कितने, आप मंदिर आपने बताए बहुत सारे, भक्ति कितनी आसान है वहाँ पे, कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह तो नहीं है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते? कुछ बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस नहीं, एक्चुअली यूके की ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि वो अगर आप
परमिशन ले ले पहले से, तो कुछ भी करने देंगे लगभग, कि कोई भी आपका त्यौहार है वो, हम रथ यात्रा इतने धूमधाम से मनाते हैं, मिनिमम 8 रथ यात्रा है यूके में, मिनिमम एक्चुअली 15 जितने होंगे छोटी छोटी, लेकिन 8 रथ यात्रा तो ऐसे धूमधाम से मनाई जाती है, लेस्टर, मैनचेस्टर, बर्मिंगम, ब्रिस्टल, ब्राइटन, लंदन, सब जगह जो हजारों लोग बाहर आते हैं रथ यात्रा मनाने, नवरात्रि, दिवाली, कृष्ण जन्माष्टमी पे तो मतलब रोड बंद हो जाती है। हाँ, पूरा कोऑपरेट करती है वहाँ की जो गवर्नमेंट, जो बिल्कुल बिल्कुल, एज लॉन्ग एज यू डू एवरीथिंग लीगली और मतलब वो यू नो रूल्स के हिसाब से, कोई रूल्स तोड़ना नहीं है और किसी को इनकन्वीनियंस नहीं करना, सो दैट इज इट्स अ वेरी गुड सिस्टम। और मुझे ऐसी इच्छा होती है कभी कभी कि काश भारत में एक्चुअली अगर हम इतना साथ देते एक दूसरे को, अगर लीगली इतना साथ मिलता कि देखो इसके लिए, आई मीन ऑब्वियसली मिलता तो है ही, अब थोड़ा चेंज आ रहा है पिछले 8 सालों से, मोदी जी की कृपा से बहुत गवर्नमेंट सहमत है और यू नो साथ देती है कि हम हमारे हिंदू त्यौहार को मनाएं, लेकिन अब धीरे धीरे गर्व आ रहा है ना हमारे जी के प्रधानमंत्री बनने बाद कुछ चेंजेस वहाँ पे आए, मैंने कहा कुछ भौकाल बना इंग्लैंड में मोदी जी के बनने के बाद। यूके में तो बहुत प्रॉब्लम हो गए थे क्योंकि बीच में वो जो एक BBC डॉक्यूमेंट्री बनी थी उनके अगेंस्ट, तो एक्चुअली पहले पहले सब ने कोशिश की थी कि मोदी जी को उतार दें, उनकी मतलब निंदा ही करते रहे, क्रिटिसाइज ही करते रहे, हाँ बहुत ज़्यादा ही एक्चुअली, आप मोदी जी के सपोर्टर वो बोल भी नहीं सकते थे पहले, ऐसे था माहौल, लेकिन अब ऐसा पूरी तरह मतलब बदल चुका है। नाउ दे मस्ट लिसन, द वर्ल्ड इज़ लिसनिंग टू इंडिया, भारत इज़ डूइंग सो वेल। हर बार आती हूँ मुझे ऐसे फील होता है कि रोड्स और भी बड़े हो गए, और भी साफ़ हो गया, और भी बड़े, मतलब जो तरक्की यहाँ पर हो रही है वो बाहर नहीं हो रहा। दैट्स जस्ट द मॉडर्न साइड, व्हाट अबाउट द स्पिरिचुअल साइड, वो तो कहीं और मिलेगा ही नहीं। हम अभी 70 लोग को यहाँ लेकर आए थे, हम 4 दिन हम ऋषिकेश में थे और हमने फिर 6 दिन यहाँ पर ब्रज में बिताए, और मतलब जब लास्ट दिन जब जा रहे थे, लिटरली 60% लोग के आँख में आंसू थे, वो इतने रो रहे थे कि अब जाना पड़ेगा यहाँ से, नहीं जाना, क्या सुविधा नहीं है, क्या यहाँ पर सुख अनुभव नहीं किया इन लोगों ने। मतलब आप वृंदावन आते रहते रेगुलर या कब कब आते हो आप, क्योंकि मैं देखता हूँ कि मैं आज आपको फॉलो करता हूँ, तो आप ज़्यादातर आप ये अभी भी आप इनके इंस्टाग्राम आपको दिख रहा होगा डिस्प्ले पे, आप जाइए, मैं इनको, ये इंग्लैंड में रहती है लेकिन फिर भी भक्ति से जुड़े पोस्ट आप डालते हो, मंदिर की पोस्ट आप डालते हो, तो थोड़ा आप इस बारे में बताइए कि वृंदावन आप मतलब कब कब आते हो, कैसे कैसे आते हो, साल में कितनी बार आते हो। जी कोशिश रहती है कि साल में एक बार आएँ, और यूजली अराउंड अक्टूबर, क्योंकि बच्चों को तब 2-3 हफ्ते की छुट्टी मिलती है, तो कार्तिक मास का तो बहुत ही महत्व है, और मैं यहीं पर बड़ी हुई थी तो कार्तिक मास का तो यू नो वी आर वेरी अटैच्ड टू इट। लेकिन इंस्टाग्राम में जो भी आप देख रहे हैं वो इसीलिए देख रहे हैं क्योंकि यू नो व्हाट ब्रिंग्स यू हैप्पीनेस, लोग वही शेयर करेंगे जो उनको इम्पोर्टेंट लगेगा। मुझे इतना याद आता है भारत का जब मैं वहाँ पर हूँ, या अगर मैं कुछ अच्छा लेक्चर सुनूँ तो मुझे वो शेयर करने की इच्छा होती है, दैट्स माई ओनली गोल। अच्छा माता जी भगवद गीता पढ़िए आप। बिल्कुल, भगवान गीता के बारे में एक चीज़ ये कही जाती है कि अगर आप जीवन में कंफ्यूज हो, परेशान हो, आपके पास सवाल है, आंसर नहीं मिल रहा है, जस्ट गो फॉर भगवद गीता। तो क्या ये संभव है आपके अकॉर्डिंग कि उस ढाई इतनी मोटी लगभग होती होगी किताब, 250-300 पेज की, उस इतनी मोटी किताब में आप हर किसी के जीवन के सारे आंसर है, ये पॉसिबल है आपके अनुसार? 100%, वो भी आंसर्स है जो आपको अभी तक क्वेश्चंस नहीं आए उसके भी आंसर्स है, बिकॉज मेरे अनुभव में चाहे कभी भी लाइफ के यू नो डिफरेंट फेजेस में कभी भी पढ़ा होगा, उसका जो एंगल, जो आंसर मिला है उसका एंगल स्लाइटली अलग हुआ होगा, क्योंकि भगवान देख रहे हैं कि आप कहाँ हो और आपके प्रश्न कहाँ से आ रहे हैं और आपको किस तरह का आंसर की ज़रूरत है। या ही नोज बिकॉज ही इज़ आवर वेल विशर, ही इज़ आवर बेस्ट फ्रेंड, वो हमारे माता पिता है, वो हमारे लवर है, ही इज़ एवरीथिंग, वो हमें हमारे अपने आप से ज़्यादा बेहतर जानते हैं, ही नोज़ अस बेटर देन वी नो आर सेल्व्स। सो मेरा अनुभव है कि जब भी मैंने गीता खोला उसका जो आंसर मिला है, इट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई नीडेड एट द राइट टाइम, सो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। हर एक्सपीरियंस अलग हुआ है, एवरी टाइम आई रीड अ चैप्टर उसका कुछ अलग अनुभव हुआ है। एक ही चैप्टर के हर टाइम आपकी जरूरत के अनुसार अलग मतलब निकलता है, जरूरत अनुसार अलग मतलब। सो हु कैन इमेजिन, बिकॉज इट्स अलाइव, ये सत है,
इटर्नली रियल, इट्स नॉट बनाई बात, ये अलाइव ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान। ये आजकल मतलब वो ये जड़ पदार्थ की तरह नहीं है, ये एक्चुअली यू नो कॉन्शियस है, क्योंकि भगवान और उनकी उनका उपदेश एक है, तो वो खुद मैनिफेस्ट हो रहे हैं हमारे लाइफ में। हमारा देश का जो युवा है ना, उसमें एक मिथ है कि जो भगवत गीता नहीं, ये हमारे लिए नहीं, ये बुजुर्ग के लिए, जब हम उस एज में जाएंगे 60 प्लस हो जाएंगे तब हम लोग आगे पढ़ेंगे। और आमतौर पे हमारे घर के लोग भी अगर कोई युवा भगवत गीता पढ़ने लग जाए तो वो कहते हैं कि बेटा ये तुम्हारे मतलब की नहीं है, अभी जाके स्कूल का पढ़ो, SSC की तैयारी करो, ये तब तैयारी करो, ये तो बात की बात है जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे, सब कुछ हो जाएंगे। इस पर क्या कहेंगे आप, यूथ मिसकंसेप्शन में है कि नहीं ये हमारे लिए नहीं है, इस कुछ कहेंगे आप? इट्स लाइक सेइंग कि सेहत के बारे में अभी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बाद में देख लेंगे, ये सेम कंसेप्शन हुआ ना। लेकिन अगर बचपन से ही आप अनहेल्थी खा रहे हो, रोज़ समोसे 10 चढ़ा रहे हो और गुलाब जामुन 10 खा रहे हो, तो आपकी जो टीनेज ईयर्स भी वैसे ही होंगे। सो ऐसा नहीं कह रहे कि SSC के लिए मत पढ़ो और पढ़ाई मत करो, कोई नहीं कह रहा, वो तो पूरी तरह करो, लेकिन उसके साथ साथ गीता का अध्ययन मिनिमम 5-7 मिनट अ डे उतना तो कर सकते हो, 5 मिनट 10 मिनट उतना तो कर सकते हैं। मैं हमारे बच्चे को ये कहती हूँ कि 10 मिनट कर लो बेटा, अगर वो कह रहे कि आज टाइम नहीं है, नहीं 10 मिनट कर लो मिनिमम, आरती में 5 मिनट लगती है, क्योंकि अगर अभी से हम वो हैबिट न डालें तो भूल ही जाओ। मतलब ऐसा तो नहीं है कि टीनेज में एक दिन एकदम यू नो चमत्कार होगा और आप खुल दोगे, ऐसा तो नहीं होगा। सेम वे जस्ट लाइक एकदम चमत्कार से हम हेल्थी फूड नहीं खाते, जो अनहेल्थी खा रहा है पूरे लाइफ कब हेल्थी खाना शुरू करता है? बीमार होता है जब डॉक्टर सजेस्ट करता है, जब डॉक्टर कहता है कि अगर आपने चेंज नहीं किया तो आप शायद मर जाओगे। सो डोंट वेट टिल इट्स टू लेट, है कि नहीं? बचपन से शुरू करोगे तो इतना ईजी आसान पड़ जाता है। अब तो बच्चे सोचते भी नहीं है कि अगर हम बोले अभी बैठना है, बचपन से ही हो सकता है, उसके बाद अगर देन इट्स टू डिफिकल्ट। मतलब क्या क्या मेजर चेंजेस आपको लगते हैं जो इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड और वहाँ की संस्कृति और यहाँ की संस्कृति में है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी चीज़ें लगती है। मैं एक सवाल थोड़ा सा अलग तरीके से पूछता हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों को उनसे सीखनी चाहिए, उन्हें हमसे सीखनी चाहिए? अच्छा अच्छा ओके 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 सो उनसे क्या सीखनी चाहिए? दे आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड और उनको बहुत व्यवस्थित है, और उनको बिल्कुल ऐसे जैसे इधर उधर कचरा फेंक दिया वो तो फाइन कर देंगे आपको, अगर वहाँ से च्युइंगम का पैकेट भी ऐसे फेंक दिया तो आपको फाइन लग सकता है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम किसी और को इनकन्वीनियंस ना करें। ये अच्छी बात है, जैसे वृंदावन में आती हूँ तुरंत ही ये सुनाई पड़ता है, क्या हॉर्न, ओह माय गॉड, वो जैसे वो बाइक चला रहा है इतनी स्पीड पे चला रहा है और पूरे टाइम हॉर्न पे हाथ रख रहा है। लोग तो ऐसे होते हैं रेड लाइट है, उसे पता है रेड लाइट है, फिर वो हॉर्न, फिर भी हॉर्न दे, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, बिकॉज देयर सो मेनी पीपल कि हम एक दूसरे के बारे में इतना सोच नहीं पाते, क्योंकि कितना सोचेंगे, इतने लोग हैं कितने कितने को खुश रखेंगे। सो इट्स अ नंबर्स गेम फॉर श्योर, लेकिन ये विदेश में बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। आप हॉर्न अगर अननेसेसरली बजा दोगे तो आपको फाइन लग सकती है, यू नो। सो इन दैट सेंस दे आर वेरी कंसिडरेट, दे आर वेरी कंसिडरेट, लाइन में खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं कि अगर कोई आ गया उसके लाइन काटेंगे, बिल्कुल नहीं, जो बिल्कुल कंसिडरेट। वो ऐसे बाह्य कर्टसी एंड हैबिट्स आर क्वाइट नाइस, यू नो, वेरी पोलाइट, वेरी कर्टियस, लेकिन जो आध्यात्मिक गुण हैं जैसे कि रियल टॉलरेंस को कहते सहन शक्ति, और पेशेंस, रियल बर्दाश्त करना एक दूसरे को, वो कम है, क्योंकि वो अंदर से नहीं आ रहा, वो एक्सटर्नली इम्प्लिकेटेड है। मतलब अगर कोई जुर्माना भरना है तो इसलिए नहीं कर रहे हैं, रूल्स हैं इसीलिए इसको तोड़ नहीं रहे। सो मैं समझाने में थोड़ा मुझे मुश्किल हो रहा है, लेकिन the west only is I find the west is polite as long as there's some rule about it. jab agar rule nahi hota to wo log nahi karte hain. yahan par jo patience hai, jo sahanshilta hai, wo much deeper level par hai, ke agar ko horn daba bhi diya to koi yahan par gussa nahi hota, chale habitual ho jate hain log, ha habitual ho jate hain ki chalo pair pe chada diya bike, chalo theek hai bhai। मैं देखो इतने सहनशील है लोग, इतने मतलब पेशेंट है,
हजार लोग ने काट लिया आपके सामने, अरे चलेगा ठीक है चल जाएंगे। मैं जैसे ही आती हूँ मेरे मतलब आई गेट एंग्जाइटी हो जाती है, अरे इतना डिसऑर्गेनाइज। अब आपको वहाँ की आदत पड़ चुकी, वहाँ की आदत पड़ जाती, फिर एक दो दिन लगते हैं फिर हम भी एकदम शांत हो जाते हैं। सो द डिफरेंस इज बिटवीन एक्सटर्नल क्वालिटीज जो मतलब बाह्य रूप से देखा जाए तो एकदम व्यवस्थित है वहाँ पर, यहाँ पर एक्चुअली अंदरूनी पावर है, अंदरूनी शक्ति है, ये जो आध्यात्मिक गुण है एक्चुअली, सहनशीलता होना, पेशेंस के पेशेंस को क्या बोलते हैं, धैर्य रखना, ये और थोड़ा सा तप, जो जो तपस्या करने की जो बल है वो भारत में है, इसीलिए इसे तपोभूमि कहते हैं, और वहीं से तो एक्चुअली आध्यात्मिक ऊर्जा है, वहाँ वहाँ से तेज है, एंड दैट्स अ रियल डिफरेंस बिकॉज वहाँ पर बिल्कुल तपस्या नहीं है, किसी नाम का तप नहीं है, वो लोग इतने कंफर्टेबल है कि जरा सी भी अगर यू नो अनकंफर्ट हो जाए तो पिघल जाते हैं, मतलब यू नो हताश हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा माता जी, आजकल आप वृंदावन में बहुत व्यस्त है, परिक्रमा वगैरह सब कुछ करते हैं, पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तो फिजिकली आदमी थक जाता है, लेकिन आपकी एनर्जी जो है ना वो सुपर लेवल की है, तो आई वांट टू नो द सोर्स ऑफ दिस एनर्जी, क्या राज है इस एनर्जी का, इसके बारे में थोड़ा बताइए हमें। अच्छा। क्योंकि आपका बोलने का तरीका मतलब एकदम एनर्जेटिक है आप, इसमें थोड़ा बताइए कैसे आती है। उत्साह, उत्साह है ना, या मैं भी वही सोच रही थी एक्चुअली, जब मैं जैसे मैं पहले बोल रही थी कि यहाँ पर आके मुझे ऐसा लगता है कि एकदम यू नो जान आ गई मुझ में, मैं ऐसे नहीं हूँ वहाँ पर मेरा यू नो अलग सा मूड रहता है, लेकिन यहाँ पर आके मुझे आई एम जस्ट सो एक्साइटेड बिकॉज एवरी डे इज़ अ फेस्टिवल, हर दिन त्यौहार है यहाँ पर, स्पेशली कार्तिक का महीना है और ब्रज में है, ब्रज में हर मोमेंट इज़ अ त्यौहार, और किसी को भी देख लो सब स्माइल कर रहे हैं, एक्चुअली ब्रज में सब सुखी हैं, सो वो चढ़ जाता है उसका रंग। और दूसरी बात तो यही है कि मुझे पता है कि एक दो हफ्ते के बाद मुझे वापस जाना पड़ेगा, तो मैं उसका पूरा, हाँ पूरा उसका मतलब लाभ, एक साल का कोटा पूरा कर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल पूरा लाभ उठा रही हूँ मैं, एंड दैट्स यू नो जो विरह भाव कहते हैं, जो वहाँ पर रहकर जितना मैं मिस करती हूँ वो बहुत स्ट्रांग है, वो दैट्स द हाईएस्ट। थैंक यू वेरी मच माता जी, अभी आपको जाना है, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके जी। तो आप सभी को माता जी की पूरी स्टोरी कैसी लगी, भारत के प्रति इनका प्यार और जो इनके अंदर भक्ति है, उसके बाद अपने विचार कमेंट जरूर लिखना, बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी आपको कोई यूट्यूब चैनल है? जी किशोरी जानी यूट्यूब पर भी हूँ और फेसबुक और इंस्टाग्राम। आपको इनके सारे सोशल मीडिया अकाउंट और इनका यूट्यूब चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, नाम आपको डिस्प्ले दिखेगा, आप जाके इनको भी चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है इन्हें फॉलो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यू नो इसमें इतना परिश्रम कर रहे हैं कि भक्तों के बारे में यू नो जानना चाहेंगे और भगवान के बारे में बात कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।